अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना मैथ्स मेंटर, डेंटल पेंटर एंड कारपेंटर, नाउ द डायरेक्टर ऑफ इमेज क्लासेस। बहुत ही सक्सेसफुल रहा हमारा फर्स्ट बैच और उसका रिस्पांस देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये डिसाइड किया कि सिर्फ मैथ्स से क्यों, जब अच्छे बच्चे आ रहे हैं और अगर मीडियम भी आ रहे तो उनको और अच्छा क्यों ना बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने कहा सोचा नहीं यार, मैथ्स के साथ साइंस भी होना चाहिए। और फिर बच्चों ने पोज किया, नहीं सर एनटीएससी की भी प्रिपरेशन साथ साथ होनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, क्यों ना साथ साथ मैथ का भी ना मेंटल एबिलिटी टेस्ट की भी चीजें पढ़ा करें। तो इसलिए मैंने बैच जो है बेदार बैच 2.0 को थोड़ा और रिलोड करके लाया हूँ। और उसमें अब हम लोग सिर्फ मैथ्स नहीं, अब हम मैथ्स भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे और अपना मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी पढ़ेंगे। और बहुत ही खास बहुत ही कम फीस में ना 10,500 रुपए, जिसमें भी मंथली इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल है। और रिसेंटली हमने इसका एक स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, काफी लोगों को स्कॉलरशिप मिला भी है उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह कौन ऐसे बच्चे हैं जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अभी पैंडेमिक के हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने अपना कोरोना काल में अपनी जिंदगी जी है, तो उनका 9th भी कमजोर हो गया, तो अपना पढ़ा के एक्सपीरियंस इतना तो दिख रहा है कि उनका 9th कमजोर है। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे बैच में, इनफैक्ट शुरुआत से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से फाउंडेशन बैच के बच्चों को 9th और 10th दोनों साथ पढ़ाता हूँ, तो जब पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, तो 9th और 10th बिल्कुल चलेगा इसमें साथ साथ देखेंगे बच्चों के मुताबिक कि पहले क्या शुरू करना है। 9th और 10th दोनों मैथ्स और साइंस दोनों चलेगा, बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन होगा साथ साथ अपना आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन। कहते हैं ना फाउंडेशन बैच आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन पहले से शुरू कर देनी चाहिए, तो एकदम उसी हिसाब से चल रहा है। और साथ साथ जैसा मैंने बोला कि एनटीएससी का भी प्रिपरेशन होगा साथ साथ। और बच्चे भी बोलते हैं सर 11th एंट्रेंस के लिए कोई अलग से बैच ज्वाइन करना पड़ेगा बाद में, कोई जरूरत नहीं है। जो सेम चीजें हम लोग अपने 9th 10th, जब मैं बोल रहा हूँ 9th 10th दोनों पढ़ाया जाएगा, तो वही तो हमारा एमयू का 11th एंट्रेंस में सिलेबस है। जामिया में और बीटीयू में तो ओनली 10th है, तो ये हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है कि हम अपने एमयू का 11th एंट्रेंस का प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे से कर पाए। तो इस बैच को पढ़ लेने के बाद आपको 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना नहीं है। तो मेरे ख्याल से दिस मच अमाउंट में बहुत इनफ है, शायद ऑफलाइन में हो तो इससे ज्यादा फीस तो खाली आपको 11th एंट्रेंस के लिए देना पड़ जाता है। और बहुत यूनिक फीचर्स के साथ आया, और वो बच्चे पहले जान जाए कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। जो बच्चे ऑलरेडी सीबीएसई में भी 10th क्लास में आ चुके हैं सीबीएसई के रूल के हिसाब से, या एमयू के बच्चे अभी भी बेचारे थोड़े पीछे चल रहे हैं, कुछ दिनों में वो 10th में आ जाएंगे, तो उनके लिए भी बहुत सारे एमयू के इंटरनल स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए भी ये बैच है। बिल्कुल कुछ दिनों बाद वो आए, बेटर अभी से शुरुआत कर ले तो उनके लिए और फायदेमंद रहेगा। कल से बैच शुरू कर रहे हैं, हर बार मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, माजरा चाहूंगा, कल से बैच शुरू कर रहा हूं मैं। तो वैसे कल ओरिएंटेशन सेशन है इसका, ओरिएंटेशन सेशन कल 10 जुलाई को 3 से 4.5 डेढ़ घंटे। इनफैक्ट इन फीचर्स को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो डेढ़ घंटे में यही काम करूंगा, इन फीचर्स को मैं किस अंदाज में आपको इन एंट्रेंसेस की तैयारी कराऊंगा जिससे आपको बिलीफ हो कि सच में हम सही जगह आए हैं। तो कल ओरिएंटेशन सेशन मेरा फिर से चैनल नैपस्ट्री वाले चैनल पे भी लाइव रहेगा, और क्लासरूम में जो बच्चे रहेंगे वो हमसे आराम से लाइव पूछ सकेंगे ना, लाइव पूछ सकेंगे। और इस नंबर पे या इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपने डिटेल्स अगर जानना हो, इंटरेस्ट हो तो आप इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। वैसे अब बात करते हैं जरा फीचर्स के बारे में, ऑलरेडी सब पहले भी आप जान रखे, इतने सारे वीडियोस मैंने दे रखा तो सारे ऑलमोस्ट फीचर सेम है। लाइव लेक्चर चलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा, जब चाहो तब आप जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो। मैं और इंजीनियर खुद और डॉक्टर मेरा सर्वा आपको पढ़ाएंगे मैथ साइंस, और वेल ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है आपका 9th का 10th का मैथ का SST तक का भी मैं आपको मटेरियल दूंगा। और साथ ही साथ एक बड़ी खास जो बच्चे बोल रहे सर आपका DPT का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, क्लास खत्म हुआ 10-15 मिनट बाद उसका टेस्ट और उसका तुरंत 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। अपने आप को जज कर लेते हैं कि उस क्लासरूम में हमने कितना सीखा है। तो मैथ की अलग से DPT, साइंस की अलग से DPT होगी, उसके बाद DPT का डिस्कशन अगले लेक्चर में जब हम कल मिलेंगे। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे पढ़ा रहा हूं, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट पे पढ़ा रहा हूं, शायद ही किसी कोचिंग फील्ड में इस कॉन्सेप्ट से बच्चों को तैयार किया कराया जाता है। इसके बारे में वो यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है कल ओरिएंटेशन सेशन में देखेंगे हम लोग। हर संडे टेस्ट होता है, हर संडे एक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। और टेस्ट की बड़ी खास बात है, आपने टेस्ट में क्या गलतियां किया है, आपको कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसके बारे में आपने उसी वक्त अगर आपको बता दिया जाए तो आप नोट कर लेंगे कि अगले बार में ये गलती नहीं होनी। इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट रखा टेस्ट पेपर का डिस्कशन जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ द टेस्ट। टेस्ट खत्म हुआ, अपने आप को देखो कहां कहां गलत है, 30 मिनट बढ़ा के हमने डिस्कशन करो कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या कोई गलती हो गई है, अगले बार से गलती नहीं करेंगे। उसके बाद एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आया, ये हर बैच में मैंने लेकर आया हूं, वाइवा कम अग्नि परीक्षा, जिसमें मैं बच्चों को यह बताता हूं कि बेटा तेरे अंदर ये कमी चल रही है इसको इंप्रूव कर, या तेरा अटेंडेंस रिकॉर्ड खराब चल रहा है, या क्लासेस छोड़ रहा है भाई, या फिर तेरे DPT में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, क्यों तेरे फिजिक्स में मार्क्स कम है, क्यों तेरे मैथ्स में ये वाला चैप्टर कमजोर चल रहा है। तो इस सब चीज को खासकर पेरेंट्स वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है,
अगर कोई पेरेंट्स सुन रहा हो तो उनको हर सैटरडे मैं उनको पूरे बच्चे का, उनके बेटे का, उनके वार्ड का हर सैटरडे का पूरा अपडेट दे सकता हूँ एवरी सैटरडे कि इस वीक में आपके बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, पूरा मंथली रिपोर्ट मैंने मिल सकता है, तो इस पूरा रिकॉर्ड उनको मिला करेगा। साथ ही साथ पता ही बताया मैंने टेस्ट का रिजल्ट 5 मिनट के अंदर, और बहुत यूनिक खास बात ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लोग बोलते हैं सर इसमें डॉट्स नहीं क्लियर कर सकते हैं, तो मैंने एक नहीं 6-6 तरीके लेकर आया हूं डॉट्स को क्लियर करने का। वो क्या है 6 तरीका हम लोग जानेंगे ओरिएंटेशन सेशन में। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इस चीज को आप पसंद करते हैं कि यार ये चीज जो आप लेकर आए हो सर, ये जो बैच लेकर आए हो जहां पे मैथ साइंस और मैथ हमारे एनटीएससी का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कराया जा सकता है, तो बिल्कुल इस मैसेज को शेयर करें। और अगर आप बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए अगर आप चाहें, अगर आपको लगता हो कि ना मैं पहले ओरिएंटेशन सेशन देखूंगा उसके बाद फिर हम ज्वाइन करेंगे तो जैसा मुनासिब समझे आप। अगर आप भी अगर ओरिएंटेशन सेशन से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर से जैसा कि मैंने बाकी बैचेस को 500 रुपए का डिस्काउंट दिया इंस्टेंट डिस्काउंट, आपको भी इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है अगर ओरिएंटेशन सेशन से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, लोगों तक इस चीज को शेयर करिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।